जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कादियान साहब ने हमारी काम की मदद करी, उसने काम जिंदे जी नहीं बोल सकता। इनके उन कामों को देखते हुए आज भी असन कला के लोग इसको याद कर रहे जी, चाह रहे जी। लोगों की उम्मीद बिल्लू कादियान से शुरू से जुड़ी है, सबका देखे बढ़ाया, पहले मंत्री रह चुके हैं, चल गए है कि तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम से हूँ। विजेंद्र कादियान उस बिल्लू का काफिला पानीपत के आसन गांव में पहुंचा। ग्रामीण हलके के इस गांव में ग्रामीणों ने विजेंद्र कादियान का जमकर स्वागत किया। आप देख सकते हैं बुजुर्ग जो हैं फूल मालाएं पहनाकर विजेंद्र कादियान का स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी देर से ये लोग विजेंद्र कादियान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये काफिला गांव आसन कला में पहुंचा तो 36 बिरादरी ने विजेंद्र कादियान का स्वागत किया। ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाई और साथ में पगड़ी पहनाकर विजेंद्र कादियान उर्फ बिल्लू का स्वागत किया। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं, 36 बिरादरी का समर्थन जो है बिल्लू कादियान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीण इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। विजेंद्र सिंह कादियान पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार जी, उसका हम गाँव आसन कला में जी पहुँचने पर तय दिल से जी उसका धन्यवाद करते हैं जी और स्वागत करते हैं जी। बिल्लू कादियान जी पहले बंसीलाल की जो सरकार थी उसमें ये मंत्री रहे, इसने इतने काम किए जी। अपने पहले ये हल्का नोलथे में गांव पड़ता था जी, यानी कि उन कामों को देखते हुए आज भी आसन कला के लोग भाई इसको याद कर रहे जी, चाह रहे जी अगर भाई बिल्लू कादियान जी आप आओ, टिकट लियाओ और जी हम आपको आसन कला गांव से 100% वोट भाई देकर और आपको आगे अब की बार हरियाणा सरकार में आपको भेजेंगे जी और दोबारा से फिर आपको भाई मंत्री पद भी दिलवाएंगे जी। एक आध किसी का चांस नहीं है इसके सामने, अगर ये आता तो किसी का चांस नहीं है, अगर ये नहीं आता फिर किसी कोई भी आओ। वो डा साहब सीट खोंगे तीसरी बार, पहले दो बार कांग्रेस प्रत्याशी है, जमान जब्त हो चुकी है और ये एक आदमी है जब चाह सकता है कि चुनाव में फिर देखना चलेगा कि अब युवा शक्ति बिल्कुल जोश खरोश में है और बीजेपी की गुंगी बारी से मैं पलटा नहीं, 10 साल और तंग आ चुके हैं। 10 साल माँ तक गांव का धन्यवाद दौरा नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर को एमपी बना, केंद्रीय मंत्री बने, आज लगा किसी गांव में आया होता मेरे कोई ये बोलता मेरे गांव में आया तो धन्यवाद दौरा किया। लेकिन जब गांव में एंटर करते हैं तो बोर्ड पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, वो तो बोर्ड की तस्वीर, एक सरपंच अगर तस्वीर लगा सरपंच के पीछे पूरा गाँव नहीं होता, कोई मंत्री है हल्के का एम एल ए लगाना पड़ेगा। तो ग्रामीणों का कहना है जब ये पहले विधायक यहाँ से बने थे तब भी गांव के लिए उन्होंने काफ़ी विकास करवाया था और आगे भी उन्हें उम्मीद है कि अगर वो यहाँ विधायक बनकर जाते हैं तो इस इलाके का पूरा प्रतिनिधित्व करेंगे और इस इलाके में जो भी समस्या है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले प्लान में कादियान साहब ने हमारी काम की मदद करी, उसने काम जिंदे जी नहीं बोल सकता। अपने आप को सब बिल्लू समझो है, इतना बड़ी आदमी सच्चा आदमी हमारे हल्के में कभी बना नहीं। तो बिल्लू जी अगर आवाज दे आधी रात में खड़े हो है, सारे खड़े हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं हम और बनाएंगे। परमात्मा से दुआ करते हैं कि इनको बनाए भाई साहब, जेल में तो इन पेंडा छटवा था 20-25 आदमियों का। हाँ ठीक है, सही मिले जिन्हें मिले तो बढ़िया, फिर तो उसके वोट देंगे। तो विजेंद्र कादियान का कहना है कि 36 बिरादरी का समर्थन और 36 बिरादरी का साथ जो है उन्हें लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां भी लोग जाते हैं सिर्फ एक ही बात है कि आप टिकट लेकर आओ और जीत हमारी तरफ से पक्की है। क्या कहना है विजेंद्र कादियान का, वो आपको सुनवाते हैं। जो बात आपने देख ली और जो स्वागत गांव आसन कला के लोगों ने 36 बिरादरी ने मेरा किया तो मैं जिंदगी में इसको कभी भूलूंगा भी नहीं। और इसका एकमात्र कारण इतने भारी स्वागत का सिर्फ ये है कि मुझे इस इलाके ने पहले भी विधायक 1996 में बनाया था और 1996 में चाहे गांव आसन कला का कोई काम था, कोई विकास का था, कोई और तरक्की करने का था, कोई बच्चे के रोजगार का था, वो सब काम जो मैंने उस समय में किए आज भी सब लोगों को वो काम याद हैं। और इनको भली बात इस बात का विश्वास है कि परमात्मा जिस दिन हमें दोबारा मौका देगा इस इलाके का विधायक बनाएगा, लोग हमें जिताएंगे,
निश्चित तौर पर हम अपने इलाके को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करा के देंगे और चार चांद लगाने का काम करेंगे। जैसे आप गांव-गांव जा रहे हो, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हो, तो लोगों की समस्या भी कुछ देखने को मिलती है? समस्या मुझे सारी पता है। अब जैसे हमारा गांव यही है, अब यहाँ कोई डिस्पेंसरी कोई हॉस्पिटल ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे अगर किसी भी छत्तीस बरादरी का या किसी ग्रामीण का गुआंडी का अगर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी आ भी जाए तो तुरंत प्रभाव से उसका इलाज हो सके। इसी तरीके से अच्छे स्कूल का होना, स्कूलों में अध्यापकों का ना होना, कोई यहाँ हम देखते हैं कोई बैंक में बैंक है तो कर्मचारी भी नहीं है, तो आज हम मंदिर में ऐसे गोरखनाथ मंदिर में खड़े हैं कि आज मेरा विश्वास और मेरी ताकत, गांव के लोगों ने जो मेरा स्वागत करके मेरी बढ़ाई, मैं इसको भी याद रखूंगा और परमात्मा से भी ये प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा मुझे वो शक्ति दे जिसके कारण इन लोगों का विश्वास ना टूटे और आने वाले समय में मुझे ये कामयाब भी करे, इस इलाके का प्रतिनिधि बनाए और फिर मैं इस इलाके की सेवा उसी तरीके से करूँ जैसे मैंने पहले की है। आप यहाँ गांव में आई, जो लोगों की जो बातचीत है उससे ये नहीं पता लग रहा कि आप एक नेता के तौर पर आए हो, एक घर जैसी बात देखने। हाँ, ये भी सही कहा आपने कि मेरी राजनीति हमेशा 30 साल से जब से मैं राजनीति में हूँ, मेरी राजनीति हर परिवार का सदस्य बनकर हुई है। मैंने कभी भी अपने आप में एक नेता में और जनता में जो एक डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को पैदा नहीं होने दिया। मैंने हमेशा इनको ये जताया कि जो ताकत आपने मुझे दी है उस ताकत के कारण मैं यहाँ हूँ, उसी ताकत के कारण मेरे अंदर ताकत है और उसी ताकत से मैं इस इलाके का विकास और बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। तो इस बात को ये भी समझते और मैं भी समझता हूं, मैंने साफ शब्दों में एक बात कही है कि तुम हो तो मैं हूं और मैं हूं तो तुमसे हूं। तो अब लोगों का जो मन है बदल चुका है, अब वो कांग्रेस पार्टी लाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर लेना चाहते हैं और लोगों के जबान पर एक बात ये भी है कि जैसे मैंने यहाँ भाषण में भी कही, सांसद रोहतक से हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो अलख जगाई, जो हर प्रदेश के हर इलाके में जा करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया और जिन्होंने आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक अब अभियान चलाया हुआ है कि भाई भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब। उसका मकसद भी यही है कि हमारे अभी दो दिन बाद फिर यात्रा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की है इस राणा में, अभी 17 तारीख को आज से 10-15 दिन पहले हमारे पानीपत ग्रामीण हल्के में हुई थी। जो समर्थन दीपेंद्र हुड्डा जी को लोगों का मिल रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरकार बनना भी निश्चित है और आने वाले समय में हुड्डा साहब का भी मुख्यमंत्री बनना तय है। तो बिल्लू कादियान का कहना है कि पिछली बार जब वो यहाँ से विधायक बनकर गए थे तो इस गांव ने भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार दिया था और इस प्यार और समर्थन को कभी नहीं भूलेंगे। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो इस इलाके का पूरा जो है मान सम्मान रखा जाएगा और जो भी समस्या इस गाँव की है उसे पूरी की जाएगी। तो फिलहाल जन समर्थन विजेंद्र कादियान को पूरी तरह मिल रहा है और विजेंद्र कादियान का भी लगातार यही कहना है कि जैसे हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा बीजेपी से हिसाब मांग रही है, वैसे ही हम लोग सत्ता में आते ही पानीपत ग्रामीण हलके में जो भी काम किए हैं उसका हिसाब किताब मांगेंगे और पूछेंगे विधायक से कि उन्होंने क्या क्या कार्य जो है यहाँ पर करवाए हैं। वैसे पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।